Good morning, dear students. Hope you all are well at your home. And we have started chapter 9: Our homes, and I have explained to you that a home protects us from rain, wind, cold, and heat of the sun, and it also protects us from thieves. It gives shelter to our family. After that, I have discussed type of homes, bungalow and the multi-story building. So here we have read a story of a girl Shambhavi who lives in a bungalow and it has a living room, kitchen, guest house, study room, a store garbage on the ground floor, and bedroom and the bathroom. Are on the first floor, but her cousin Mala lives in Mumbai in an apartment, means a flat which is in a multi-story building. Multi-story building meh. Uh, the flat has only two small rooms, the tiny balcony is used as a study. The kitchen is so small that only one person can work there. सो so, यहाँ पर हमने बिग हाउस और स्मॉल हाउस है उसके बारे में पढ़ा बंगलो एंड मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में जो अपार्टमेंट है फ्लैट है कितना छोटा है उसके बारे में हमने स्टडी करी है नाउ आई विल डिस्कस डू यू नो इन बिग सिटीज़ लाइक दिल्ली मुंबई चेन्नई एंड कोलकाता द लैंड इज़ limited एंड द पॉपुलेशन इज़ ह्यूज सो मोस्ट पीपल live इन फ्लैट्स इन मल्टी स्टोरी बिल्डिंग क्या आपको पता है जो बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं कौन कौन सी लाइक दिल्ली मुंबई चेन्नई और कलकत्ता यहाँ पर क्या है लैंड की कमी है कमी हो गई है क्यों हो गई है क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है मीन्स बिग बहुत ज़्यादा जो पॉपुलेशन हो गई है और जो लैंड है वो कम है मीन्स के को हर एक इंसान अब घर नहीं बना सकता है अपने अकॉर्डिंग सो so, जो बहुत सारे जो लोग हैं वो कहाँ रहते हैं जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है जैसे कि मैंने आपको यहाँ दिखाया था बड़ी बिल्डिंग एक ही बिल्डिंग में एक ही स्पेस पर बहुत सारे फ्लैट्स बना दिए गए हैं तो ऐसे ही ये लोग कहाँ हैं मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के जो फ्लैट्स हैं वहाँ पर रहते हैं पीपल लीव इन डिफरेंट टाइप ऑफ हाउसेस डिपेंड अपॉन लोकेशन एंड द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस अब जो लोग हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ हाउसेस में भी रहते हैं जो डिपेंड करता है वहाँ की लोकेशन पर और उसके क्लाइमेट पर फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि हम लोग हिली एरिया में रहते हैं तो हमारे घर कैसे कैसे हैं आपने देखा ही है अगर हम बहुत माउंटेनी माउंटेन वाले एरिया पे ऊपर जाएंगे पहाड़ पे शिमला की तरफ जाएंगे तो आप देखेंगे वहाँ पे वुड के हाउस बने हुए हैं और स्लेट लगी हुई है रूफ़ के लिए और वुड इसलिए यूज़ करते हैं ताकि जो है ठंडी हवा अंदर ना जा सके हो तो, तो क्लाइमेट कैसा है ठंडा है लोकेशन कैसी है माउंटेन एरिया पर हम रहते हैं तो उसको देख कर जो घर बनाए गए हैं मतलब मल्टी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आप वहाँ नहीं बना सकते हिली एरिया पर जैसे कि जो कि एक फ्लैट एरिया पर बन सकती है लाइक like, जो ये प्लेन एरिया होगा वहाँ पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आसानी से बन जाती है कि बट अगर हम सोचेंगे कि हम हिल एरिया पर ऐसे बनाए तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि लोकेशन वैसी नहीं है हिली एरिया है और वो जो घर जो बने हुए हैं हिली एरिया पे वो वुड से क्यों बने हुए हैं क्योंकि जो क्लाइमेट है कैसा है ठंडा है तो यही बोल रहे हैं पीपल लिव इन डिफरेंट टाइप ऑफ हाउस जो लोग हैं अलग अलग तरह के घरों पे रहते हैं जो किस पे डिपेंड करता है लोकेशन के ऊपर कि लोकेशन कैसी है हिली एरिया है प्लेन है या कोस्टल एरिया है आ, सी के पास वाला एरिया है और क्लाइमेट कैसा है कोल्ड है या फिर हॉट है या फिर ह्यूमिड है कैसा क्लाइमेट है डू यू नो क्या आप जानते हैं द कुकिंग हैज़ to be done outside the हर्ट्स as the straw can catch fire easily क्या आप जानते हैं कई जगहों पर जो खाना है बाहर बनाया जाता है घर से बाहर आ, आ, जो भी जहाँ पर भी कहाँ पर होता है हर्ट्स होती हैं जहाँ पर मेनली झोंपड़ी पे जो जहाँ पर लोग रहते हैं वहाँ घर से बाहर बनाते हैं क्योंकि अगर वो अंदर बनाएंगे तो जो स्ट्रॉज होती हैं जो छत होती है वो स्ट्रॉ की बनी होती हैं तो इजीली जो है वो फायर कैच कर सकते तो इसलिए जो किचन है घर से बाहर बनाई जाती है द अर्ली मैन लिव्ड इन केव्स जो अर्ली मैन है वो कहाँ रहते थे दे लिव्ड इन केव्स केव्स मीन्स गुफाओं में रहते थे अर्ली मैन वो लोग थे जो जंगलों में रहते थे ठीक है अर्ले टाइम में बहुत समय पहले जिनके पास घर नहीं थे ना हट्स थे कुछ भी नहीं था तो वो जंगलों में रहते थे और उसके बाद वो जब उन्होंने रहना शुरू किया तो वो केव्स में रहने लगे गुफाओं में ही एट द फ्लैश ऑफ एनिमल्स एंड फ्रूट्स एंड रूट्स ऑफ प्लांट जो अर्ली मैन थे वो क्या खाते थे वो खाना पसंद करते थे फ्लैश ऑफ एनिमल्स यानी कि जो एनिमल्स हैं उनका मीट ठीक है और फ्रूट्स एंड रूट्स ऑफ प्लांट और जो जो भी उन्हें फ्रूट मिलता था वो और जो प्लांट्स थे उनके रूट्स को वो खाते थे ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम द हंटर एंड द फूड गैदर बिकम द फूड प्रोड्यूसर ऐसे ही क्या हुआ बहुत समय के बाद जो हंटर यानी कि जो हंटिंग करते थे आ, एनिमल्स को मारते खाते थे उसके बाद उन्होंने क्या किया फूड इकट्ठा भी करना शुरू कर दिया जब वो केव्स में रहने लगी कि अभी तो जो अर्ली मैन था स्टार्टिंग में मूव करता था वन प्लेस टू नदर एक जगह पर वो नहीं रहता था खाने की तलाश में वो चलता रहता था चलता रहता था पर जैसे ही वो रहने लग गए तो उसके बाद क्या हुआ उन्होंने हंटिंग शुरू कर दी हंटिंग किसी भी एनिमल को मारते थे या कोई भी प्लांट से आ, या कोई भी पार्ट उसका या फ्रूट्स और रूट्स खाते थे उसके बाद उसने क्या उसको इकट्ठा करना शुरू कर दिया फूड गैदरर बन गए और उसके बाद जब वो फूड इकट्ठा करने लेंगे तो धीरे धीरे उन्होंने फूड प्रोड्यूस करना भी शुरू कर दिया यानी कि फूड को उगाना भी शुरू कर दिया ही स्टार्टेड लिविंग इन स्मॉल क्लोज टू हिज क्रॉप जैसे ही फूड प्रोड्यूसर बने ये फूड को उगाने लगे डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स जैसे वीट और बार्ले ये लोग उन्होंने प्रोड्यूस करना शुरू कर सबसे पहले तो जब ये इन्होंने इनको गाना शुरू किया वीट और बार्ले को तो अब इन्होंने अपने घर कहाँ जो स्मॉल हट्स थे उन्होंने बनाए बिल्कुल वहाँ पर जहाँ पर इनकी क्रॉप्स थी ताकि वो उनको देख सके ठीक है इवन नाउ मैनी पीपल लीव इन हट्स इन विलेज और अगर हम आज की बात करें आज भी बहुत से जगह पर बहुत से लोग गांव में हट्स में ही रहते हैं द हट्स आर मेड ऑफ बैम्बोस स्ट्रॉ ड्राई लीव्स एंड मड जो हट्स हैं वो किस किस चीज से बनी होती है बेम्बो से बांस से स्ट्रॉ से सूखे पत्ते होते हैं उनसे बनी होती है और मड से बनाई जाती है दे आर नोन एज कच्चा हाउस हाउसेस और टेम्परेरी हाउसेस एज दे आर नॉट वेरी स्ट्रांग तो जो ये घर होते हैं जो कि बैम्बो से स्ट्रॉ से ड्राई लीव से बनाए जाते हैं और मर्द से बनाए जाते हैं किस नाम से जाने जाते हैं कच्चे हाउस से और वो क्या होते हैं टेम्प्रेरी हाउस यानी कुछ समय तक रहेंगे फिर अगर बारिश होती है तूफान आता है तो टूट जाते हैं तो टेम्परेरी है मजबूत नहीं जैसे कि हमारे जो हाउसेस होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं बारिश आने पर तूफान आने पर टूटते नहीं हैं सो दे आर नोन एज कच्चा हाउसेस और टेम्परेरी एज दे आर नॉट वेरी स्ट्रांग क्योंकि वो ज़्यादा स्ट्रोंग नहीं होते हैं दे ऑल्सो लीकिंग इन द रनी सीजन सो जब भी रेनी सीज़न होता है तो वो लीक करना शुरू कर देते हैं यानी कि उसमें से पानी निकलना शुरू हो जाता है जो छत होती है वो किसकी बनी होती है स्ट्रॉ की बनी होती है तो पानी जो रेन का पानी है वो होल्ड नहीं कर सकती तो वो टपकना शुरू हो जाता है स्ट्रोंग विंड कैन ऑल्सो डैमेज दैम एज आई एक्सप्लेंड कि जो स्ट्रॉन्ग विंड है तूफान चलता है हवा चलती है तो वो उसको जो हर्ट्स हैं जो टेम्परेरी हाउस है जो कच्चा हाउस उसको डैमेज भी कर देती है मीन्स तोड़ भी देती है सो डियर स्टूडेंट दैट्स ऑल फॉर द डे टूडे वी हैव डिसकस हाउ अर्ली मैन लिव्ड अर्ली मैन लिव्ड इन अ केवस केव में रहता था और वह क्या करता था क्या करता था खाने में वो फ्लैश खाता था एनिमल्स की फ्रूट्स खाता था रूट्स खाता था लेकिन कुछ समय के बाद उसको जो थोड़ा सा अकल आने लगी तो और जब वो रहने लग गया एक जगह पर तो हंटिंग करने के बाद उसने फ़ूड इकट्ठा शुरू कर दिया और इकट्ठा कैसे किया उसके बाद फूड प्रोड्यूस जब उसने शुरू किया अपना फूड उगाना शुरू किया क्रॉपिंग के थ्रू तो उसने उसको इकट्ठा करना भी शुरू कर दिया था एंड आई हैव ऑल्सो डिस्कस कि जो हर्ट्स होती हैं वो किसकी बनी होती हैं बैम्बो स्ट्रॉ ड्राई लीव्स और मर्ड की और ये किसके नाम से आ जाती है कच्चा हाउसेस और टेम्प्रेरी हाउसेस के क्योंकि ये ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होती है और रेनी सीजन में लीक करती है साथ ही साथ जब बहुत स्ट्रांग विंड चलती है तो इसे डैमेज भी कर देती है सो दैट्स ऑल फॉर द डे थैंक यू एंड हैव हैवे नाइस डे